हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेस्टिंग बाचा। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम पंक के AEW की बड़ी अपडेट के बारे में, प्लस हम बात करेंगे रोमन रेंज के रिस्पांस के बारे में टू फिन बैलर, एंड आल्सो हम बात करेंगे ग्रीन केन के बड़े अपडेट के बारे में भी। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे तीन बहुत बड़े अपडेट्स। क्या सीएम पंक कन्फर्म जाने वाले हैं AEW में 100%? प्लस रोमन रेंज ने कैसा तगड़ा रिस्पांस दिया है फिन बैलर के इस चैलेंज का, एंड कौन सी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग ग्रीन केन, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेस्टिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे सीएम पंक के AEW के अपडेट के बारे में। कुछ दिनों से काफ़ी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सीएम पंक जा सकते हैं AEW में, और उसके रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। अलॉन्ग विथ सीएम पंक, जिसका नाम आ रहा है कि जो जा सकता है AEW में, वो है डैनियल ब्रायन। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट दी है bodyslam.net वेबसाइट ने, और उन्होंने ये कहा है कि जो AEW का ऑल आउट पेपर व्यू होने वाला है, जो होगा शिकागो इलिनॉइस में, जो है सीएम पंक का होम टाउन, वहाँ पर सीएम पंक जो है 100% होने वाले हैं। तो शिकागो इलिनॉइस में उनके तीन शोज है, एक तो है उनका डायनामाइट, दूसरा है रैम्पेज, एंड तीसरा है ऑल आउट। तो इन तीन में से कोई एक शो में सीएम पंक जरूर आ सकते हैं 100%, ये कहा है bodyslam.net ने। तो दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है अभी AEW में, क्योंकि सीएम पंक एंड डैनियल ब्रायन, ये दोनों जन जाने वाले हैं AEW में, बट खासकर सीएम पंक, जो बंदा 7 साल से बाहर था रेसलिंग वर्ल्ड से, और अगर एक बार सीएम पंक AEW में चले गए तो उनको काफ़ी बड़ा पॉप मिलेगा, एंड जो अटेंशन है वो AEW के पास होगा ज़्यादा। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम विद सीएम पंक एंड AEW। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे रोमन रेंज के बारे में। जैसे हमने लास्ट स्मैकडाउन में देखा कि रोमन रेंज ने नो बोला है जॉन सीना के समर स्लैम चैलेंज को, एंड इंस्टेड यस बोल दिया है फिन बैलर के चैलेंज को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब दोस्तों, फिन बैलर के साथ रोमन रेंज की मैच होने वाली है, और उसके ऊपर रोमन रेंज ने काफ़ी अच्छा ट्वीट किया है। रोमन रेंज ने उनका और फिन बैलर का जो एक कन्फ्रंटेशन हुआ था उसका पिक डाला है, और कैप्शन ये लिखा है कि फिन बैलर, तुम्हारा स्वागत है आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी में, यहाँ सबको सेकेंड चांस नहीं मिलता है, इसलिए तुम वेस्ट मत करो इसको, #smackdown। तो यहाँ पर हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज ने एक टाइप से इंटीमिडेट कर दिया है फिन बैलर को। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसी होती है इनकी मैच, और कौन होता है विक्टोरियस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कब होती है इनकी मैच। इसका रिस्पांस अब तक फिन बैलर ने दिया नहीं है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिन बैलर इसका क्या रिस्पांस देते हैं। और दोस्तों, बात करें कल के स्मैकडाउन के रेटिंग्स का, तो स्मैकडाउन को मिले हैं 2.04 मिलियन व्यूअर्स। ये दोस्तों लास्ट वीक के कंपैरिजन में थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि लास्ट वीक स्मैकडाउन को मिले थे 2.148 मिलियन व्यूअर्स। बट एक अच्छी बात है कि 2 मिलियन का जो मार्क है वो स्मैकडाउन ने मेंटेन करके रखा है, एंड आई होप कि यही मार्क मेंटेन रहे आने वाले टाइम में। चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में, जरूरी है केन से। दोस्तों, केन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने काफ़ी डिस्ट्रक्शन लाया था इन WWE। वो हमारे हॉल ऑफ फेमर है, एक बहुत बड़े लेजेंड है, और जैसे आपको पता होगा कि जब एटीट्यूड एरा में केन अपना जो अटायर पहनते थे वो रेड एंड ब्लैक था, और जो रेड एंड ब्लैक कलर है वो केन को काफ़ी इंटिमिडेटिंग बनाता था, और वो काफ़ी सूट करता था उन्हें। बट 1999 ईयर में केन जो है वो एक्सपाक के साथ टीम अप किए थे, और एक्सपाक जो है वो डी जनरेशन एक्स टीम के मेंबर थे, और आपको पता ही होगा कि DX के कलर्स है ग्रीन एंड ब्लैक। तो दोस्तों, रिसेंटली एक्सपाक, दैट इज शॉन वॉल्टमैन के प्रो रेसलिंग फॉर लाइफ पॉडकास्ट में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज़ रिवील की है। उन्होंने कहा है कि केन को रेड एंड ब्लैक अटायर में रखा वही काफ़ी अच्छा किया। वो 1999 में DX के साथ ज्वाइन हो गए थे, तभी अच्छा हुआ उनको ग्रीन अटायर नहीं दिया गया, क्योंकि वो बिग रेड मशीन है और वो फ्रिकिंग बिग ग्रीन मशीन नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ कि केन को रेड एंड ब्लैक में ही रखा गया, ना कि ग्रीन एंड ब्लैक में। तो दोस्तों, ये था कहना एक्सपाक का ऑन केन। तो अगर हम इमेजिन करें केन को ग्रीन एंड ब्लैक में, तो काफ़ी फनी लगता था। रेड एंड ब्लैक कलर जो था केन का, वो काफ़ी इंटिमिडेटिंग था एंड काफ़ी ज़बरदस्त था। तो अच्छा हुआ एक टाइप से कि हमें ग्रीन केन नहीं देखने मिला इन WWE। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आप कितने एक्साइटेड है सीएम पंक के डेब्यू के लिए ऑन AEW,
सेकंड, आपका क्या रिएक्शन है रोमन रेंज के स्टेटमेंट पर ऑन फिन बैलर? एंड थर्ड, आपको कैसे लगता अगर ग्रीन केन आ जाते थे इन 1990s? सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।